आर यू समवन फ्रॉम द मिडिल मैनेजमेंट? क्या आपको भी टीम मैनेज करनी होती है, सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है, और कई बार आपको लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप स्टोरी टेलिंग को यूज़ करके अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी टीम के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ बिल्ड कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। बाय द वे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आए रिलेटेड टू स्टोरी टेलिंग, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग, आप उसको मिस ना करें। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैसे आप अपना क्रेडिबिलिटी स्टोरी टेलिंग के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। पहले बात करते हैं क्रेडिबिलिटी जरूरी क्यों है, व्हाई क्रेडिबिलिटी मैटर्स। आई नो आई हैव बीन इन मिडिल मैनेजमेंट एंड आई नो यू आर द ब्रिज बिटवीन द अपर मैनेजमेंट एंड योर टीम। बेसिकली यू कनेक्ट द डॉट्स बिकॉज जो टीम है आपकी वो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, जो मैनेजमेंट है उसको ओवरसाइट देखना है, बट यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन। एंड इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करें, क्योंकि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है तो आपकी टीम आप पे ट्रस्ट करती है, आपका सीनियर मैनेजमेंट आपको पहचानता है कि ये जो पर्सन है ये काम करवाता है, ही कैन डू दैट, एंड दैट कैन रियली एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट योर करियर प्रोग्रेशन, इम्पैक्ट योर ग्रोथ, इम्पैक्ट योर जर्नी। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्रेडिबिलिटी इज ऑल अबाउट रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड ऑथेंटिसिटी। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू ऑल ऑफ दिस इज यूजिंग द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्रेडिबिलिटी क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग ही क्यों, वाई स्टोरी टेलिंग, वाई स्टोरी टेलिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग योर क्रेडिबिलिटी। नाउ रिसर्च शोज कि अगर आप सिर्फ लोगों को, अपनी टीम को फैक्ट एंड फिगर या अपने मैनेजमेंट को फैक्ट एंड फिगर बताएंगे, इट मे मेक सेंस बट इट विल नॉट स्टिक। बट अगर आप उसको एक स्टोरी के फॉर्म में बताएंगे, इट विल बिकम मोर रिलेटेबल। आपकी टीम आपसे इंस्पायर हो सकती है, आपका मैनेजमेंट आप पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है, बिकॉज द स्टोरीज बिल्ड एन इमोशनल कनेक्शन, स्टोरीज बिल्ड ट्रस्ट। सो एज अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दिस पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। इन आवर कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलिंग हब आई हैव मेनी मिड लेवल मैनेजर्स हु कम्स बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पावर कि स्टोरी टेलिंग क्या कर सकता है उनकी टीम के लिए, उनकी कंपनी के लिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉट आर द एलिमेंट्स। अगर आपको स्टोरीज बोलनी है, वी हैव अंडरस्टूड की क्रेडिबिलिटी क्यों जरूरी है, वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड की स्टोरी टेलिंग का यूज़ करके आप कैसे क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं, बट वॉट इज द एलिमेंट, वाई अ क्रेडिबल स्टोरी इज डिफरेंट फ्रॉम एनी स्टोरी, कैसे आप अपनी क्रेडिबल स्टोरी ला सकते हैं। तो जो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं एक क्रेडिबल स्टोरी में वो है, नंबर वन ऑथेंटिसिटी, राइट। अगर आपकी स्टोरी ट्रू नहीं है, डोंट टेल इट, डोंट मेक थिंग्स अप। एंड आई नो बहुत सारे लोग ये प्रीच करते हैं, ये बोलते हैं, बट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट यूजिंग फॉल्स स्टोरीज, यूजिंग अनट्रू स्टोरीज। तो हमेशा आपको जो भी स्टोरीज बतानी है वो उसको ट्रू बतानी है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पर्सनल स्टोरीज बतानी है। जब आप पर्सनल स्टोरीज बताते हैं, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग आई कैन से, बिकॉज ऑडियंस कनेक्ट्स विथ यू एट द पर्सनल लेवल, एंड इन दिस केस योर ऑडियंस इज योर टीम एंड योर सीनियर मैनेजमेंट। नंबर टू इज द रेलेवेंस। अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं तो उसका वहां पे क्या रेलेवेंस है, क्या उस कॉन्टेक्स्ट में वो फिट होती है, क्या उस ऑडियंस के लिए वो अप्रोप्रिएट है, क्या उस सिचुएशन उस टाइमलाइन के लिए अप्रोप्रिएट है। बहुत सारे लोग या तो स्टोरी टेलिंग करते नहीं है, या स्टोरी टेलिंग कई बार वो गलत कॉन्टेक्स्ट में कर देते हैं, गलत ऑडियंस के सामने कर लेते हैं, या गलत सिचुएशन में कर लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि योर स्टोरी इज रेलेवेंट। एंड नंबर थ्री विच इज़ अ लिटिल बिट टेक्निकल बट दिस विल हेल्प यू
in telling a very important thing, and that is a clear structure. Your stories should have a clear structure. क्या होता है कि बहुत बार हम stories, क्योंकि because we all talk in terms of stories, we don't appreciate the value of a clear structure. और अगर आपकी story में structure नहीं है, एक definite opening, एक definite middle, एक definite end नहीं है, that's when your story starts going haywire, as they say. Your stories don't inspire people because they don't understand कि इससे सीखना क्या था, इससे समझना क्या था. Now let's talk about कि आप अपनी story को कैसे structure कर सकते हैं, कैसे craft कर सकते हैं. तो before मैं आपको वो चार स्टेप बताऊं जैसे आप अपनी स्टोरी क्राफ्ट कर सकते हैं, लेट मी गिव यू अ एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस स्टोरी टेलिंग, बिकॉज इट्स अ मैनेजमेंट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्टोरी टेलिंग एंड आई एम टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल. लास्ट ईयर आवर प्रोजेक्ट टाइमलाइन वेयर कंसिस्टेंटली स्लिपिंग, वी वेयर वेरी मच डिलेड इन द प्रोसेस एंड दैट टाइम वी नीडेड समथिंग एंड सम हाउ वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस न्यू प्रोडक्टिविटी टूल that increased our productivity by 20% by using some of the reusable codes. Not only this really changed our perspective, but it also added a lot of customer benefits. It was not easy to get everybody on board. It took us a few iterations, but once we adopted it, it really got us a lot of appreciation from customers. So ये बिजनेस स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल था. अब इसको हम डीकोड करते हैं कि व्हाट वेयर द फोर स्टेप्स. सो द पहला स्टेप है व्हेन यू डू अ क्राफ्ट योर स्टोरी इज सेटिंग द सीन. इफ यू रिमेंबर मैंने स्टार्ट में बोला कि प्रोजेक्ट में टाइमलाइन का इशू चल रहा था, बहुत टाइट डेडलाइन थी, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज द सेटिंग द सीन. सो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग द सीन, जहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट बताते हो कि कौन है, क्या सिचुएशन है, दैट इज द नंबर वन. नंबर टू इज introduce the challenge wherein आप बताओ कि problem क्या है, struggles क्या है, issues क्या है, concerns क्या है. तो पहले तो आप बताओ कि project, जैसे in this example हमने बताया project timeline थी और slip हो रहा था, but then I escalated also कि हमने tool तो ढूंढ लिया but tool को लोग adopt नहीं कर रहे थे, that was the introducing the challenge. Number three is showcase the solution. आप solution बताइए क्या solution था. In this case there was a productivity tool और उसके आने से क्या हुआ कि आपकी productivity बढ़ गई. So you have to tell the actions that you took, the steps that you took, the solution that you had. So in this example that I took, it was the productivity tool that we started using and for people to get on board we started having multiple discussion. And number four, the most important, and this I'm telling you a lot of people miss on this, and that is where the story become ineffective, and wo hai highlighting the outcome. Jaise maine bataya ki this tool in this example improved the productivity by 20%, it resulted into project getting delivered on time, and also we got lot of appreciation from customer. Now let's see, if I don't talk about that, then the audience will be like, okay, so what happened? So that is why it is very important that you highlight the outcome. So फिर से repeat करता हूँ चार steps. Number one, setting the scene, putting the context, where, who, when, situation, etc. Number two, introducing the challenge, what were the problems, situation, struggle, etc. etc. Number three, telling the solution, showcasing the solution, कि what were the actions, what were the steps, what were the solutions taken. And number four is highlighting the outcome, telling what happened, what is the result, what is the lesson learned. This is your way of crafting a compelling story which can build your credibility. Now we already talked about a real life example. Now let's talk about कि आप अपनी स्टोरी टेलिंग को एलिवेट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्टोरी टेलिंग को बड़ा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं. तो उसके भी तीन स्टेप होते हैं. नंबर वन इज रिहर्सिंग. यू हैव टू रिहर्स आउट लाउड, यू हैव टू स्पीक लाउड, यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो, यू कैन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिफाइन योर डिलीवरी एंड थिंक अबाउट इट, हाउ कैन आई मेक इट मोर इंगेजिंग, हाउ कैन आई introduce the pauses which can have a dramatic effect. Now business story, I understand you don't have to become
a performance storyteller, you don't have to go over the board, but even a small pause can make a big difference when you are speaking in front of your audience. Number two, get feedback. You need to get feedback. So you can get feedback. आप अपने कॉलीग से, फ्रेंड से फीडबैक ले सकते हैं. आई वुड हाईली रिकमेंड टू हायर अ कोच. इफ यू रियली हैव अ हाई स्टेक प्रेजेंटेशन, इफ यू रियली हैव समथिंग विच इज क्रूशियल फॉर योर टीम, देन इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू हायर अ कोच. यू कैन हायर मी और यू कैन हायर एनी अदर कोच, दैट डजंट मैटर. वॉट मैटर्स इज दैट इफ यू हैव अ हाई स्टेक प्रेजेंटेशन, यू गॉट टू गेट इट राइट. And number third step to make your storytelling practice better or elevate is by observing other storytellers. We all know many storytellers that we learn from, but are you actively observing them? आप वो छोटे छोटे nuances notice कर रहे हैं क्या? कैसे वो अपने audience को engage कर रहे हैं? किस type के questions पूछ रहे हैं? कैसे वो movement कर रहे हैं? कैसे वो pauses ले रहे हैं? क्या उनके gestures हैं? When you start observing, that's when you will start practicing in your storytelling as well. So the three steps of elevating your storytelling or improving your storytelling is: number one, rehearse; number two, get feedback or hire a coach; and number three, observe. अब बात करते हैं कि how you can integrate stories into your style. आप अपनी स्टोरीज आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने स्टोरीज के बारे में रिसर्च कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, बट ये स्टोरीज आप बोलोगे कहाँ पे? So I'm going to say that, take it as a challenge that every week you have to tell a story. It could be either in a team meeting, it could be either in a one-to-one discussion, it could be in a professional presentation, but आपको एक चैलेंज लेना होगा अगले 6-8 वीक्स के लिए. When you challenge yourself, and then eventually you can say, okay, I want to tell a story a day. When you challenge yourself, that's when the growth happens. So it will not be comfortable. It will not be easy. And sometime you will be like, oh shoot, I forgot to tell the story. I could have said that. And it will happen. But next time when you go, you will be like, okay, this is time for me to tell stories. This is where I can inspire my team. This is where I can make a great impression on my management. This is where my customer is super impressed with the work done by the team. I hope you will agree ki बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है, बट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टेल राइट स्टोरीज, दे डोंट गेट द क्रेडिट, दे डोंट गेट द रिवॉर्ड, दे डोंट गेट द अवार्ड दैट दे डिजर्व. एंड यू एज द लीडर, यू एज द मीडिया मैनेजमेंट हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेलिंग बेटर स्टोरीज टू योर टीम, टू योर सीनियर मैनेजमेंट एंड ऑल्सो टू योर कस्टमर्स. So I wish you happy stories. I wish you tell a lot of stories. And अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिला तो प्लीज़ कॉमेंट में लिखिएगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसने आपके पर्सपेक्टिव में थोड़ा चेंज लाया. एंड ऑल्सो ये भी बताएगा कि आप और किस तरह की स्टोरीज चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊँ, ताकि हम उसको प्रायोरिटाइज कर सकें. As I say every time, until next time, keep learning, keep growing and keep going out of your comfort zone. This is Coach Haritosh Srivastava. I'll see you in the next video in this channel.